अलगाववादी यासिन मलिक को एनआईए कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हाई अलर्ट है। जम्मू में जश्न मन रहा है तो गुपकार और पाकिस्तान, यासिन मलिक की सजा पर आंसू भी बहा रहे हैं। अलगाववाद की आग लगाने वाले यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा की आग एक बार फिर से लगाने की कोशिश भी की गई। श्रीनगर में यासिन मलिक के घर के बाहर भीड़ जमा की गई, पत्थरबाजी की गई। पाकिस्तान के हमदर्दों और देश का विरोध करने वालों के लिए ये खीज लाजमी है। आखिर अलगाववाद का आखिरी अध्याय खत्म जो हो गया, यासिन मलिक अब बाकी जिंदगी तिहाड़ जेल में काटेगा। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा एनआईए अदालत ने एक टेरर फंडिंग मामले में सुनाई है। यासिन मलिक ने खुद अदालत में इस बात को कबूला था कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का उसने काम किया। यासिन मलिक ने इस बात को अदालत के अंदर कबूला था कि उसने कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में नौजवानों को आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं हों या बम विस्फोट की घटनाएं हों उसने करवाई। मैंने पहले भी कहा एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर, यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नतायज बरक्स होंगे, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला उलझने सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। तो मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से राजू राज मेरे साथ हैं, इसी के साथ जम्मू कश्मीर से मेरे साथ खालिद हैं। सबसे पहले जरा खालिद से समझते हैं, जब से यासिन मलिक की सजा का ऐलान हुआ है एक आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में माहौल को खराब करने की एक बार फिर से साजिश रची जाएगी, इसके लिए तैयारी किस तरह की है इसे रोकने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल से ही, जब से अभी फैसला भी नहीं आया था तब से ही कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अतिरिक्त मात्रा में जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, खासकर अगर हम मायसुमा इलाके की बात करें जहां पर यासिन मलिक रहते हैं, और इसके अलावा जो इर्द गिर्द के डाउन टाउन के इलाके हैं जहाँ कल दुकानें भी बंद रही और अतिरिक्त मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात रहे। हमने कल भी दर्शकों को दिखाया कि मायसुमा में कैसे दर्शन जो है उग्र हुआ था, टियर गैस शेलिंग करनी पड़ी थी पुलिस को और पत्थरबाजी भी हुई थी, हालांकि उसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ड्रोन को हर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर भी इनपुट्स हैं कि कुछ हो सकता है तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो तुरंत वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, पूरे कश्मीर घाटी में एक अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है मिलिटेंट कोई हमला करें या फिर किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर हमला किया जाए। कल हमने देखा कि शाम में चारडोरा में जो हमला हुआ वो एक टारगेट किलिंग फिर से की गई। इसके अलावा कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं कल जो है इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको खोल दिया गया। अभी लाल चौक और इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी स्थगित है, लेकिन बाकी इलाकों में उसको रिस्टोर कर दिया गया है। वहीं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं पर भी मोबाइल चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि मूवमेंट को चेक किया जाए, अगर कोई सस्पिशियस गाड़ी आती है या टू व्हीलर आता है उसको। जी खालिद, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो दिल्ली हाई अलर्ट पर है जबकि श्रीनगर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है तमाम इलाकों की। श्रीनगर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू की गई है और सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को यह खबर मिली है कि पाकिस्तान से दिल्ली एनसीआर पर आतंकी हमले का प्लान बनाया जा रहा है। तो अलर्ट जारी कर खासतौर पर उन टू व्हीलर्स पर नजर रखने को कहा गया है जो बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट के दिखे। और दिल्ली से मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से
अलर्ट पर है इस वक्त दिल्ली, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अदिति, बता दूं कल शाम को जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसके बाद तमाम खुफिया एजेंसी के पास 6 से 7 ऐसे अलर्ट आए जिसे दिल्ली पुलिस और एनसीआर की पुलिस के साथ शेयर किया गया और उनको हिदायत दी गई कि दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हर जगह पर जहां पर सस्पिशियस जगह है, संदिग्ध जगह है, उन तमाम जगहों पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा ये भी अलर्ट में कहा गया कि जो टू व्हीलर्स हैं, जो बाइक्स और मोटरसाइकिल्स ऐसे हैं, उन पर खास तौर पर नज़र रखी जाए जिनके नंबर प्लेट नहीं हो या फिर जो नंबर प्लेट है वो सस्पिशियस हो, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई चोरी के वाहने ऐसे हैं जहां पर नंबर प्लेट बदल दिए जाते हैं, सस्पिशियस नंबर प्लेट होता है, गलत नंबर प्लेट होता है, उस पर नज़र रखी जाए। हमने देखा आज सुबह भी कई जगह पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग भी लगा रखी है और वहां पर तमाम वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही यासीन मलिक पर फैसला आया, राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में रखा गया, तिहाड़ जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।